कुछ कुछ। अभी मैं इधर ब्लॉग बनाने के लिए आया था और ब्लॉग के टाइम में मेरे को ये दिखा और मैं अचानक से इसके करीब पहुंच चुका हूं। सामने देखो अभी घड़ियाल देखो कैसे सांस ले रहा है, यही घड़ियाल है दोस्तों, इसको दिखाते और बताते हैं। दोस्तों आज मेरे साथ मतलब मैं क्या बताऊं कि मेरे को जरा सा भी उम्मीद नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। तो अभी मैं आया हूं अपने घर से काफ़ी दूर इधर गंडक नदी की तरफ और इस नदी के बीच में मेरे को वीडियो ब्लॉग बनाते टाइम में मेरे को मेरे पीछे से एक घड़ियाल निकल आया था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, जो कि वीडियो में देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर घड़ियाल आके सोया है। आपको मैं दिखाऊंगा कि वो कितना ख़तरनाक घड़ियाल है और कितनी मुश्किल से मैं वहाँ से बचा हूँ। लेकिन आइए मैं आपको उसको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि वो देखने में कैसा है और किस तरह दिखता है, उसका सारा दांत वांत सब कुछ जूमिंग करके सब बहुत अच्छे से मैं उसका वीडियो दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में बन रहिए और हो सके तो चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको ये घड़ियाल का सीन। तो ये देखो दोस्तों, आपको देखने में लगेगा कि इसको कुछ हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ दोस्तों कि इसको कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त है। ये देखो आप कितना तगड़ा, देखो कितना स्थिर बनाए एकदम से सोया पड़ा है। आपको अगर कोई इसके तरफ ना देखे तो इसके पास से भी गुजरेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ पे साइड में घड़ियाल है। अगर उसने नहीं देखा तो आराम से उसका पैर पकड़ के ये पानी के अंदर ले सकता है। उसके बाद से ये ले करके, तो दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा था ना तो उस टाइम में क्या था कि दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर तो नहीं देखा था, मैं इसको पानी के अंदर जब मैं शूट कर पानी के पास नदी के किनारे जब मैं शूट कर रहा था वीडियो, उस टाइम ये मेरे पानी में मेरे पीछे दिखा था वीडियो में। और जब मेरे को पानी में दिखा तो मेरे को थोड़ी देर बाद पता चला, लगभग 2-4 सेकंड के बाद मुझे पता चला कि हाँ पीछे मेरे घड़ियाल निकल आया है। तो मैंने ये सिर्फ उस टाइम अपना मुंडी निकाला था तो मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, वो आया था चला गया। लेकिन बाद में मैंने दोस्तों देखा कि जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा अपना वीडियो शूट करने के लिए तो नदी किनारे के पास देख रहा हूँ कि ये आकर सोया पड़ा है। उस टाइम मेरे को अचानक से ये दिखा और मैं बहुत ज़्यादा डर गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेरे को डर लगा। और मैं ही क्या, अगर उस जगह पे आप होते तो आपका भी एकदम से ना हृदय कांप उठता। और यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे ये वही सीन है जब मैं वीडियो शूट कर रहा था और देखो मेरे पीछे वो कुछ दिख रहा है। और देखो वो, हाँ देखो ये दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ना, ये ही घड़ियाल है। और ये वीडियो के शुरुआत में जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब ये मेरे पीछे आया हुआ था। तो दोस्तों ये देख लो आप, ये घड़ियाल है। और अभी अभी आपने जो पानी में मुंह देखा छोटा सा, वो उसका आगे का वो जो गुठे जैसा बना है वही देखा था आपने। और वीडियो के अंत में मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार कमेंट करके जाइए और बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत बड़ा मोटिव मिलेगा दोस्तों और उससे मेरा हौसला और भी बुलंद होगा और मैं इस चीज़ को और भी बेहतर कर पाऊँगा। और मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है दोस्तों कि हाँ मैं आप लोगों को और बेहतर कैसे बना के दूँ, और बेहतर मतलब कुछ कैसे नया ला के आपको दूँ। तो आप लोग कमेंट वगैरह थोड़ा करते रहिए दोस्तों, और जो भी हमारे चैनल पे अभी नए नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।